तो ये देखो यहाँ पे डॉल को सुला रही है ये। नहीं करा रही है। कपड़ा ली है ना, तो ये जो कपड़ा है ना, ये इसका नाक पोछने वाला कपड़ा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति व्लॉग्स। तो गाइस आज है ट्यूसडे और आज मैं शिवी को स्कूल नहीं भेजा और ये यहाँ पे देखो रोटी खा ली है, ठीक है। हाँ चिप्स खा रही है और फिर बोली हमको चिप्स दो, मैं चिप्स खाऊंगी, तो यहाँ पे वो चिप्स खा रही है और मैंने अभी जस्ट पानी पिया है और जो देखती हूँ कुछ खाऊंगी। पहले तो प्रसाद खा लूँगी, कल का प्रसाद है जो पहले वो खाएंगे, उसके बाद खाना कुछ खाएंगे। हाँ लो पानी पियो। तो बस चलो आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो ब्लॉग में बने रहो। हे भगवान, ये क्या कर रही हो मम्मा? नो मम्मा नो, क्या है बेटा? वेरी बैड। ये कौन सा खेला है तुम्हारा? चलो साइकिल चलो अभी ना, इसको ये ना साइकिल चलाने नहीं आता है तो अभी बस लुगड़ाती है। हाँ ये वाला साइकिल इसको ठीक चलाने आता है, इसमें पैडल नहीं ना है तो ये ठीक चलाती है, देखना चलाओ। हाँ ये ऐसे ही चलाने वाला है तो ये वाला ठीक चलाती है, ये वाला भी इसको इसी की तरह चलाती है, पैडल नहीं मार पाती है, मतलब इसको नहीं आता है पैडल मारना, अभी छोटी है ना। ऐ फेंको नहीं। ओके दोस्तों, तो हो गई है शाम और ये शाम को मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एक्चुअली मेरा ना मेरे को आज बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं ऐसा होता है मेरे साथ जब मैं फास्टिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे जब उस दिन तो पूरा एनर्जी रहती है, फिर नेक्स्ट डे जब खाना खाते हैं तो फिर मुझे नींद आती है। तो इसीलिए ना मैं सुबह में नहीं खाती हूँ जल्दी, मतलब तो स्पेशल राइस खाते हैं हम लोग, उस दिन बहुत मन करता राइस। और मैंने बनाया था वो मिलौनी सब्जी, हम लोग बोलते हैं, आप लोग बताना क्या बोलते हो, जिसमें ना चार पांच सब्जी एक मिक्स करके चने वाले डाल के वो सब सब्जी बनाते हैं, ठीक है, और वो राइस के साथ खाते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और आज के दिन ना बाबू ना नहीं सो रही थी, उसको मन नहीं कर रहा था सोने का, तो बड़ा मुश्किल से सुलाया है, फिर सोई हूँ तो फिर अच्छी नींद आई है। और उसके बाद अभी ना शाम को लेके बैठे थे हलवा, तो ये जो कल बनाए थे ना प्रसाद में वही वाला हलवा है, लेकिन इस बार ना उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक उतना अच्छा नहीं बना है जैसे लास्ट जो ब्लॉग में देखे होंगे जिसमें हम दिखाए थे कैसे बनाया जाता है हलवा, रेसिपी शेयर किए थे, तो वो वाला हलवा बहुत अच्छा बना था इस बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनाए थे, कल तो इतनी जल्दी बनाए थे, सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे थे तो इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं खाने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एकदम एक्सट्रीम लेवल और अच्छा लगता है, नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। क्या लेके आई हो? ये देखो ये भी उठ गई है। अच्छा ये भी आज जल्दी भी उठ गई, उसके बाद फिर मुझे भी उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये जब उठ गई ये उठ गई तो फिर हम भी उठ गए, फिर उठ गए, ऐसे उठने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं बहुत दिन बाद बहुत नींद आई है, तो चलो फिर ये खाते हैं। अच्छा हाँ, ये आटा खा लो ना, पहले मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो मुझे पसंद आने लगा ना जब से मेरी मम्मी आई है, मतलब मम्मी ना प्रेगनेंसी के बाद, तो यहाँ पे तो वो हम लोग ना बच्चा होने के बाद वो कुछ मसाला 17 मसाला पता नहीं कितना बोलते हैं वो, उसका कुछ वो लोग हलवा बनाते हैं वो खाते हैं, वो खिलाते हैं जो डिलीवरी की हुई रहती है ना लेडीज उनको, तो लेकिन यहाँ पे तो उतने सारे कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मम्मी ना ऐसे ही आटा का हलवा बनाती थी और बहुत सारा घी और बहुत सारा ड्राई, इसके तो मैंने कम ड्राई फ्रूट डाला है, डाल के बना के रखती थी, तो वो हमेशा मैं सुबह उठ के यही खाते थे और दूध पीते थे, तो तब से मुझे ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है और अभी भी पसंद आता है, तो याद आ गया मम्मी का, तो बताया तो अच्छा लगता है, मम्मी तो बहुत ही अच्छा बनाती है, हम लोग से तो कभी अच्छा बनता है कभी नहीं बनता है, मम्मी लोग तो एक्सपर्ट होती है ना। तो चलो अभी करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं ये, उसके बाद फिर मैं नींद थोड़ा खुल जाएगा, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत नहीं करेंगे क्यों करेंगे। ओके गाइस, तो खाना हो गया मेरा, खाना बनाना अभी। हाँ अच्छा, तो आज खाने में बनाया है सेम आलू बैगन का सब्जी, ये रहा, और साथ में रोटी, और ये आटा का हलवा तो है ही। अच्छा वो जो मैं सूट पे गई थी ना, तो उसका ना पंजाब प्रीमियम सूट था ना, हाँ तो वो लोग ही मीठा दिया था, तो भी अभी भी बचा ही हुआ है, तो आज तो इसलिए बाहर निकाल के रख दिए हैं ताकि दीपक ख़त्म कर दे, और साथ में तो ये आटा वाला हलवा जो बनाए थे ना तो वो भी है ही, तो साथ में मीठे में ये खा लेंगे और इसके साथ बनाया है रोटी। अच्छा यहाँ पे ये भी बना के रखी हूँ, आलू थोड़ा सा बना के रखा है सैंडविच के लिए, तो कल दीपक का मॉर्निंग में ऑफिस रहता है ना, तो कल दीपक का मॉर्निंग में ऑफिस रहता है तो सैंडविच फटाफट बन जाएगा, तो बना के दे देंगे। तो अब चलो हो गया मेरा काम, आराम से भी थोड़ा रेस्ट करते हैं। और कहाँ गई बाबू? अच्छा दिखाते हैं बाबू क्या कर रही है यहाँ पे, ये देखो इसको
क्या कर रही है ये दीपक यहाँ पे क्या कर रही है ब्लैंकेट पे देखो डॉल को ना उठा रही है नींद थोड़ा सा ये वॉल्यूम कम करो तो नहीं आएगा तो ये देखो यहाँ पे डॉल को सुला रही है नहीं करा रही है कपड़ा ली है ना तो ये जो कपड़ा है ना ये इसका नाक पोछने वाला कपड़ा सॉफ्ट मतलब साड़ी होता है ना हाँ तो ये जो मम्मी लोग का एकदम कॉटन का पुराना साड़ी होता है वो मेरी मम्मी का ही साड़ी है तो वही रखे हुए हैं दूध पिलाई इसको दूध पिलाई हाँ तो ये रखे हुए हैं तो उसी का नाक पोछने का कपड़ा बनाया है तो वो देखो उसी से उसको सुला रही है इसको भी सर्दी कराई उसको नीनी करा रही है अच्छे से सुलाओ और दूध पिलाई उसको दूध पिला दी ओके यहाँ पे ये बात पता नहीं क्या दीपक क्या कर रहे हैं अच्छा ये आज देखो आज भी दीपक ना इसका चोटी बनाया है देखो फूल वाला चोटी पता नहीं कैसे बना लेते हैं ये हम बनाते हैं तो फूल वाला नहीं बनता ये फूल वाला चोटी बनाते हैं इनका इसका क्या कर रही दूधू अच्छा दूध पिला के सुला दो चलो अच्छा खुद तो सोती नहीं है कितना हमको दिक्कत होता है इसे सुलाने में देखो कितना अच्छा डॉल को सुला रही चलो ओके गाइस तो हो गई है रात और हो गया हमारा डिनर तो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय से बाय बाय एसी बंद क्यों कर दी ऑन करो बेटा गर्मी है ऑन करो अच्छा कुकू बाय बाय कर दो बाय फ्लाइंग किस